मांडा में बूस्टर डोज महाअभियान का शुभारंभ। संवाददाता इस्लाम अंसारी द्वारा की गई रिपोर्ट। बताते चले कि मांडा CHC अधीक्षक द्वारा लगाए गए 35 टीमों द्वारा मांडा क्षेत्र में 4000 बूस्टर डोज के लक्ष्य को किया गया पूरा। मांडा CHC अधीक्षक डॉक्टर AP यादव द्वारा दी गई जानकारी। खबर देखे विस्तार पूर्वक। प्रयागराज के मांडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल प्रबंधन के कारण देश में कोरोना से कोई जनधन की हानि नहीं हुई। जहां एक ओर COVID-19 के सफल इलाज की व्यवस्था हुई है, वहीं दूसरी ओर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को भुखमरी से मरने नहीं दिया गया। उपपाते भाजपा के वरिष्ठ नेता भगवान दास कुशवाहा ने CHC मांडा में आयोजित बूस्टर डोज के महाअभियान का उद्घाटन करते हुए कही। बताते चले कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक देश में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज COVID-19 के बूस्टर डोज महाअभियान की शुरुआत की गई। इस बूस्टर डोज महाअभियान में CHC मांडा अधीक्षक AP यादव के साथ अन्य चिकित्सक और पूरा स्टाफ सहित भारी संख्या में लोगों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। आप सबको पता है कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाला है और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाला है, बहुत तेजी में बदलाव देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले का देश और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो आपको भारी पैमाने पर बदलाव नजर आ रहा है। देश और प्रदेश दोनों प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि कोविड जैसी महामारी का प्रवेश पूरे दुनिया में होता है और साथ में भारत भी जो है उससे छूटा नहीं रह जाता। पूरी दुनिया की निगाह लगी थी कि जब कोविड की महामारी भारत में जाएगी तो भारत इसे बच नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा धनहान और जनहान भारत में बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा पूरी दुनिया के लोगों का विचार था। लेकिन धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस क्षमता और अपने नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन से कोविड महामारी का मुकाबला किया, या पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। यहाँ तक कि प्रथम वैक्सीन का भी निर्माण किया और जो है विदेशों में भेजने का भी काम किया। आप सब इसके पहले भी देश में महामारी आती थी, आप लोगों ने देखा होगा या जो बुजुर्गों द्वारा किससे कहानी के रूप में सुने होंगे, तो बीमारी आती थी पूरा गांव सफा हो जाता था, हैजा और प्लेग तमाम प्रकार की बीमारियां पहले आया करती थी। तो ऐसा नहीं था कि सब बीमारी से ही लोग मर जाते थे, बीमारी से आधे लोग मरते थे, आधे लोग भुखमरी से मरते थे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रबंधन किया, आपको बीमारी से भी बचाने का काम किया और भुखमरी से भी मरने नहीं दिया। तो आज उनके जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी के जन्मदिन तक जो सेवा पखवाड़ा सप्ताह चल रहा है, उसके तहत आज यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हुआ और हम आशा और विश्वास करते हैं कि अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो सरकार ने अभियान चलाया है, महाअभियान है, जो टारगेट आपको मिला होगा उस टारगेट को पूरा करने का अवश्य काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।